तो मेरी उम्मत में से नहीं छोटों से बहम न करे और बड़ों का अदब न करे। जो उम्र में बड़े हैं, इलम में बड़े हैं, तकवा में बड़े हैं, हुनर में बड़े हैं, तजर्बात में बड़े, रिश्तों में बड़े, इस्लाम कहता है उनका अदब करो, उनका इहतराम करो। लिहाजा मैं माफ करने को तैयार नहीं। मस्जिदों में जिस मस्जिद में जाओ तो शायद खुश किस्मत वो मस्जिद होगी जहां लोग अमन से, मोहब्बत से, आस्ती से, सुधो से रहते हैं। खुश किस्मत को बढ़ाना है चार दीवारी जिसमें की लड़ाई तंगा बजाद नहीं। कुरान मजीद पढ़ो, अल्लाह रसूल इज्जत ने पैगाम दिया है, फरमाया अल्लाह वालों की निशानी ये है बल कासिमीन अल गैज, अल्लाह वाले वो है जो गुस्से को पी जाते हैं। ये कब, ये आयत का वरूद और नज़ूल कब था? बल कासिमीन अल गैज, अल्लाह वाले गुस्से को पी जाते हैं। बल आफीन अनिल नास, अल्लाह वाले लोगों को माफ कर देते हैं। अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला के एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मेहमान आ गए, अपने खादिम से फरमाया बेटे को पानी को शोरबा को सालन लाओ, इसकी खिदमत करेंगे। उसने प्याला भरा शोरबा लाया, पकड़ाने लगा, ध्यान उधर था, प्याला गिरा दस्तरखान पर, वो पानी शोरबा प्याला गिरा, फूट गया। सैयद शहदा गुस्से में आ गए। मैं बताना चाहता हूं कि नस्ल रसूल का कुरान से क्या ताल्लुक, और जब नस्ल रसूल के गुदाम रहे खादिमों का कुरान फहमी का आलम क्या था, नौकरों का कुरान फहमी का आलम क्या था, उनके जोड़ों में बैठने वाले का कुरान की फहम का आलम क्या था। उसने जब देखा कि सैयद शहदा गुस्से में, उसने उसको खबर दी खादिम को कि आका इधर जहां ने सलाम के आल को कुरान से जोड़ दिया। अलावा इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन किताबुल्लाह वअहलु बैति बैतर, कि मैं दो चीजें दुनिया में छोड़कर जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत के तहार। लन तकिल्लू इन तमस्सकतुम बिहिमा, तुम कभी भी गुमराह न होगे जब तक दोनों में थामे रखोगे। एक हाथ में कुरान थामो और दूसरे हाथ में आगे बहार की मोहब्बत थामो, अंत तक आप की मोहब्बत थामो, आई महले भाई के तहार की मोहब्बत थामो, सादात की मोहब्बत थामो। हर वो वजूद जिसका रिश्ता रिश्ता है खून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है, उसका इसलिए अदब करो कि इसकी रगों में खून अली और खून नबी दौड़ रहा है। उस खादिम ने जब देखा कि इमाम गुस्से में आ गए, उसने अर्ज किया बल काज़िमीन अल गैज़, अल्लाह वाले वो हैं जो गुस्से को भी जानते हैं। इमाम कर्बला ने सुना फरमाया कसम तो गैज़ी, हुसैन अपने गुस्से को भी है। हुसैन के मानने वालों काश को हम भी इस रगत पे चले, हमने तो गुस्से को अंदर पाल रखा है, हमने तो गुस्से को दिमाग में रख रखा है, हमको बदला लेने की आगे है कब मौका मिले तो जुमला करे, वो हमला करे, वो बदला ले। और आज तहार की शान, उनकी शान का आलम ये फरमा रहे कसम तो गई थी व्यक्ति उसने को भी किया। वो कुरान के अंदर रस पड़ता है बल आपकी ना अनुनास, और मैं हाँ भाई कौन का क्या, मैंने तुझे माफ कर दिया और बताया माफ ही नहीं किया, हम तुझे आजाद करते हैं। अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। तो करामत दारी ये रिश्ते इनसे अल्लाह ताला ने एहसान करने का हुक्म दिया, फिर यतीमों के साथ एहसान करने का हुक्म दिया है। ईद करीब है, वो दौर भी देखो जब आपका ईदो जहां अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ जा रहे थे तो किस पर नजर पड़ी, कदम रुक गए, किसे आजुदा कर दिया, किसने ईदगाह की तरफ न जाने दिया। जब एक देखा जो रो रहा था रहमत कौमैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम फैल गए, फरमाया क्यों रोता है, अर्ज किया मैं यतीम हूं।
मेरा आज कोई दस्त शब्द करने वाला नहीं, निगहदाश करने वाला नहीं, शब्द बड़े जुमले मुझे सुनाने वाला नहीं। उसे घर ले आए, नहलाया तो कपड़े मुयस्सर थे पहनाए, अरे यतीम को वो मुकाम अदा किया कि उसे फकत जमीन पर उंगली पकड़ कर नहीं चलाया। अगर हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कंधे पर लोगों ने हसन और हुसैन को बैठे हुए देखा है, उसी दोषी अक्स और कंधा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन लोगों ने फिर यतीम को बैठे हुए देखा। कितना मकाम अदा किया। हम आज भूल गए मानते हैं इमाम जैनुल आबिदीन सरकार को, और जैनुल आबिदीन से पूछा कि हुजूर हम सारे का हकूक क्या है, और मैं 40 घर आगे 40 घर पीछे 40 घर दाएं 40 घर बाएं, ये हमके हमसायगी है। हम 40 की बजाय 4 का भी ध्यान नहीं रखते। फरमाया खुदा की कसम वो मोमिन नहीं। आका कौन? फरमाया जो खुद पेट भरकर सो जाए और उसका हमसाया भूखा। तालिबान के हम इस मुबारक तालिबान से दूर जा रहे हैं। यतीमों से उसने सलूक करो, ये सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यतीमों के साथ फिर मिस्कीनों के साथ एहसान करने का किसा हुआ नजर आए। और आका ए दो जहां अलैहि सलाम की पूरी जिंदगी पढ़ो, आपने हमेशा मिस्कीनों के साथ पिसे हुए तबके के साथ हमेशा मोहब्बत की, प्यार किया, उसमें सलूक किया, पिसा हुआ तबका। एक शख्स ना मुस्लिम था, उसने मुस्लिम ईमान लाए। हुजूर सरवरे कौमैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो पहाड़ों के दरमियान जो वादी है वो सारी बकरियों भरी वादी है, सारा रेवर ले गया। वो जब रेवर ले गया तो उनके जो जहां उनसे आया था बस्ती वाले काफिर थे, कहने लगे तुम तो गरीब थे, जितना बड़ा बकरियों का रेवर तुम्हें किसने दिया है? उसने कहा इस्लाम ले आओ, इस्लाम लाने की देर है। सरवरे कौमैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना कुछ अदा करते हैं कि फिर किसी और तरफ जाने की हाजत ही नहीं। यतीमों से मोहब्बत करो। और आका ए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम पैदा करने का मकसद ये था, अलम यजिदुका यतीमन फआहा, मेरे हबीब क्या हमने आपको यतीम नहीं पाया? अच्छा हम यतीम भी पढ़ते हैं और दुमरे यतीम भी पढ़ते हैं, मगर ना हमें यतीम की खबर ना हमें दुमरे यतीम की खबर। हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर तारुल कादरी साहब, उनसे पूछा गया यतीम को माना क्या है और दुमरे यतीम किसे कहते हैं? आपने फरमाया उन लोगों फरा दे कल मरा दे बहुमा यतीम, हर वो चीज जो अहले अरब के नजदीक बड़ी नवेत्री हो, मुनफरिद हो, जुदा हो, उसे अरबी के अंदर यतीम कहते हैं। जुदा होने का माना किया, जुदा होने का माना फरमाया हबीब हर एक को पसीना आए और पसीना से बू आए, मेरे महबूब आपको भी पसीना आए और पसीना में खुशबू आए, ये पसीना में खुशबू का आना अलम यजिद का यतीमन, क्या हमने आपको पसीने में मुमताज और मुनफरिद नहीं बनाया? हर कोई आगे देखे पीछे ना देखे, और तेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की चश्मा ने न कसी, जितनी आगे काम करती है उतनी ही पीछे काम करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, रुखे अंदर नमाजी उतर किया। फरमाया आज मैं मुसल्ले पे था, आखिरी सफ के अंदर जो बंदा था वो रुकू और सजूद सही नहीं कर रहा था। फरमाया पीछे खड़े होने वालों रकू और सजूद सही किया करो, इन्नी लारा रकू अकुम व सजूद अकुम, मैं खड़ा तो मुसल्ले पे होता हूँ, मेरा चेहरा काबे की तरफ होता है, नजर काबे की तरफ होती है, मगर खुदा ने आंखियां अदा की है, मैं खड़ा मुसल्ले पे होता हूँ, तुम्हारे रकू भी देखता हूँ, तुम्हारे सजदे भी देखता हूँ, समाज में मुनफरिद, निगाह में मुनफरिद,
اللہ الرحمن الرحیم، اور صحابہ کہتے ہیں ہم کیا دیکھتے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقمہ اٹھاتے وہ لقمہ تسبیح پڑھتا ہوا تہنے مصطفیٰ علیہ السلام و سلام میں جہاں لقمے تسبیح پڑھ رہے ہیں، تمہیں یقین تمہارا کیا ہوا؟ بادشاہ کے سامنے جب مالِ غنیمت پھیلا دیا جائے، تیرے جواہرات یا وہ پڑے ہو اور بادشاہ کی نظر کسی خاص ہیرے پر آ جائے اور اسے وہ اپنے لیے چن لے، اسے عربی کے اندر کہتے ہیں آوا، چننا۔ فرمایا حبیب ہم نے جب مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تجھے بس ہم نے اپنے لیے چن لیا۔ آدم یقین کا یقین، کیا ہم نے آپ کو منفرد نہیں پایا؟ عشق میں، محبت میں، شوق نگاہ میں، قربت میں، تابا، پھر ہم نے تمہیں اپنے لیے چن لیا، اپنی محبت کے لیے چن لیا۔ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں مجھ سے محبت کرتا ہوں، لوگ میری حمد کرتے ہیں، میں تجھ پر درود و سلام پڑھتا ہوں، لوگ میری قسمیں اٹھاتے ہیں، میں تیری قسمیں اٹھاتا ہوں، لوگ مجھے راضی کرتے ہیں، میں تجھے راضی کرتا ہوں، تجھے راضی کرتا ہوں۔ اور لوگ رخ کرتے ہیں قبلہ کی طرف، ہم فرماتے ہیں حبیب جدھر تیرا چہرہ ہو جائے گا ادھر قبلہ۔ اللہ